विष्णु जैन जी, मैं सीधे आपके पास आती हूं। चूंकि आपकी ओर से पूरे मामले में याचिका दाखिल की गई है, क्या एएसआई एक्ट 1958 की धारा 18 इस बात की इजाजत देती है कि संरक्षित स्मारकों में भी उपासना और पूजा का अधिकार मिल सकता है, और क्या इसी बात को आप लोग लेकर अदालत की चौखट तक गए हैं? चित्रा जी, आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही सटीक सवाल पूछा और आपने बिल्कुल सही कहा है। राजस्थान में कितने ऐसे किले हैं जिसके अंदर हिंदू मंदिर है, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पूजा की इजाजत देता है। इनफैक्ट अगर ताजमहल को देखा जाएगा तो ताजमहल में मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ते हैं, साल में एक दिन उर्स होता है, उर्स का उनका जो पर्व होता है उसकी भी इजाजत दी जाती है। और मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं, मेरे भाई शोएब जमाई ने अभी यहां पे कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1992। पहली बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया था, 1992 में नहीं आया था, वो अपने फैक्ट को चेक कर ले। दूसरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उन्होंने अधूरा पढ़ा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 में खुद ही लिखा हुआ है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो उसके परव्यू में नहीं आता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के परव्यू में नहीं आता है। तो उन्होंने यहां पे बहुत बड़ा जो लेक्चर दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से ये केस चल नहीं सकता है, वो उसकी सेक्शन 4(3) पढ़ ले कि जहां पे एएसआई के कंट्रोल में मॉन्यूमेंट होता है वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है। और एक बात और कहना चाहता हूं, यहां पे मेरे बड़े भाई गौरव भाटिया ने कहा कि वहां पे मूर्तियों का अपमान हो रहा है, आपके चैनल के माध्यम से इस देश के करोड़ों लोगों को आज मैं ये बात संबोधित करके कहना चाहता हूं, मंडे को हम अधिवक्ता भाई और हमारी पूरी लीगल टीम साकेत की सिविल अदालत में एप्लीकेशन मूव कर रही है, उसमें हम सुनवाई करेंगे और वहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपने देवी देवताओं के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमने ऑलरेडी सूट दायर कर रखा है जिसमें नोटिस आ रही है, और उसी सूट में एप्लीकेशन फाइल करके मांग करेंगे कि वहां पे देवी देवताओं का अनादर ना हो, उनको एक यथोचित स्थान पे उनका वहां पे उनको रखा जाए। और इन्होंने एक बात और है, यहाँ पे इन्होंने गलत बात बोली कि जो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, उन्होंने कहा है कि उसको वहां से हटा दिया जाए। उन्होंने दो प्रपोजल रखे नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने, उन्होंने कहा है कि या तो उसको उसी जगह पे कोई यथोचित सम्मान दिया जाए, या तो अगर उसका देवी देवताओं का अपमान हो रहा है तो उनको एक संग्रहालय में रखा जाए। इसको इन्होंने अधूरा पढ़ा है। और एक बात और कहना चाहता हूं चित्रा जी, शोएब जमाई और तस्लीम रहमानी से जरा अपने दिल पे हाथ रख के पूछें, आप हमारे पे बोल रहे हैं कि हम क्लेम कर रहे हैं, ताजमहल को 2005 में वक्फ संपत्ति किसने घोषित किया था? आज अपील में सुप्रीम कोर्ट को बोलने प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, तस्लीम अहमद रहमानी भी इंतजार कर रहे हैं। गौरव जी, आऊंगी मैं आपके पास, आ रही हूँ, एक बार खत्म हो जाएगा, मुझे कुछ कहना है। नहीं, आपके पास मैं आऊंगी गौरव भाटिया जी, एक बार उसी जान की बात पूरी हो जाए। गुजरात में बेट द्वारका, बेट द्वारका में वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है, गुजरात हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगाई है। तो सवाल ये बनता चित्रा जी, गुजरात में वक्फ बोर्ड वहां पे अपने पैर पसार रहा है, और जितने हिंदू मंदिर है, सोमनाथ मंदिर के पीछे की जमीन वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है, बेट द्वारका क्लेम कर रहा है, गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि ये आपने क्या लगा रखा है। तो जब ये क्लेम करें तो बहुत अच्छी बात है, तब कोई चुनाव नहीं आता है, पर जब हिंदू समाज के लोग जाते हैं तो उसको चुनाव से जोड़ते हैं। साहब, जब आप क्लेम करें किसी मस्जिद के नाम पर तब चुनाव नहीं दिखता है, और ये लोग क्लेम करें तो फिर आप लोगों को चुनाव नजर आता है, क्या होगा जवाब इस पर? क्लेम कर दिया चित्रा जी, जो मैं शुरू में अर्ज कर रहा था, बात आके वही रुक रही है। अभी देखिए, विष्णु जैन जी ने फरमाया कि ये शायद साकेत कोर्ट में डालेंगे या हाई कोर्ट में डालेंगे, वहां से सुप्रीम कोर्ट तक ये आह्वान कर रहे हैं करोड़ों हिंदुओं को के लेके आए मंडे को सर जी, मंडे को। तो ये जो पब्लिक आउटक्राई क्रिएट कर रहे, यही तो किया था ना अयोध्या में भी। तो अब मैंने कहा कि यही करना है, क्यों आप फॉर्मेलिटी पे जा रहे हैं? मैं तो कोई कोर्ट में फाइल कर रहे हैं भाई, हम कोर्ट में तो अपने लीगल राइट मांगने के लिए जा सकते हैं। अगर जो इस देश के समाज के साथ गलत हुआ है, अगर बात हो जाएंगे चित्रा जी तो कहाँ जाएंगे, सड़कें जाम करेंगे। ठीक है, आपकी बात हो गई, एक बार उनकी बात भी सुन ले। बोले मैं ये कह रहा हूँ, अभी गौरव भाटिया जी भी बोल रहे थे, इन्होंने इस तरीके से मेरा नाम बिगाड़ के लिया और एक गाली की सूरत में लिया, तालिबान का लफ्ज इस्तेमाल करके फिर सॉरी बोल दिया। गौरव भाटिया जी, स्लिप ऑफ टंग का हुनर हमें भी बहुत आता है, स्कूल में हम भी पढ़े, जस्ट एबनेट को बहुत खेला है, तो ऐसे स्लिप ऑफ टंग अगर नेशनल मीडिया पे बैठ के हमसे होने लगी तो आपको भी बहुत शर्मिंदगी होगी। वैसे भी उम्र में तो आप छोटे हैं ही, उसके लिए आप अगर स्लिप ऑफ टंग को रोक लिया करें तो अच्छा है। विषय पे आते हैं, मैं सीधे कहता हूँ, आप अगर 10,000 साल का बाई फोर्स यहाँ पर करेक्ट करने की बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये ना तो ह्यूमन बिहेवियर में इसे करेक्ट समझा जाता है, ना इंटरनेशनल हिस्ट्री में इसको समझा जाता है, और विवाद उसी वक्त खड़े होते हैं जब हम
हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को करेक्ट करने की बात कोशिश करते और ये यहाँ किया जा रहा है। इसलिए वो कोशिश करने की बजाय अभी ताकत है आपके पास, ताकत का इस्तेमाल कीजिए और सब ले लीजिए। गौरव पांडे जी कह रहे हैं ताकत है आपके पास, आपकी सरकार है, जो चाहेंगे हो जाएगा, कर लीजिए। देखिए सबसे पहले चित्रा जी एक बात मैं विनती करता हूं आपसे, ये कटोरा लेके आ गए, कटोरा लेके आ गए, इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां जो लोग करते हैं उनकी दो कौड़ी की हैसियत नहीं है। आपके चैनल पे सकारात्मक चर्चा हम लोग करने आते हैं और वो डेकोरम बना रहे, सबका सम्मान बना रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, दूसरी बात जो बात ये कह रहे हैं ताकत हमारी है, बिल्कुल लोकतंत्र की ताकत हमारी है। सुनिए मेरे बीच में मत बोलना, कटोरा छाप पंचकर छाप चुप कर, चुप कर पंचकर छाप, चुप प्लीज गौरव भाटिया जी, चुप, ये तरीका ठीक नहीं है, बंदर चुप, एक सेकंड प्लीज सर, ये मैं गलत, उन्होंने चालू किया कटोरा कटोरा और यहाँ आप सुनने नहीं आए किसी की बात। और गौरव भाटिया जी मैंने इस पर टोका भी था उनको, और उन्होंने खेद भी जाहिर किया था इस पर, अब वो बात उनके माफी मांगने के साथ वहीं पर खत्म हो गई। आगे उसके बाद उन्होंने फिर बोला, जवाब दीजिए जो तसीम साहब ने सवाल पूछा है, ठीक है, आपको शर्मिंदगी उसमें भी होनी चाहिए ना।